अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है और आपका कैलकुलेटर का यूज अच्छे से नहीं आता है तो आपका एग्जाम खराब होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैलकुलेटर का जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े से बड़े भी जो मुश्किल जो कैलकुलेशन है वो हम आसान तरीके से कर सकते हैं इस कैलकुलेटर के मदद से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे शॉर्टकट तरीके से कुछ ही सेकंड में हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं कि कैसे क्लियर डाटा करती है जो कैलकुलेटर से, यानी कि जो रिसेट करते हैं वो देखेंगे, एंड डिस्प्ले लाइट को भी कैसे डार्क एंड लाइट करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लियर डाटा करना पड़ेगा। क्लियर डाटा करने के लिए Shift+9 प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि Shift उसके बाद 9 प्रेस करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्रेस कर दिया उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन है सेटअप, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी एंड थर्ड ऑप्शन है ऑल। तो हम थर्ड पे क्लियर करेंगे। उसके बाद येस इक्वल जो है वो येस को रिप्रेजेंट करता है और एसी कैंसिल को। तो हम क्या करेंगे कि इक्वल को प्रेस करेंगे क्योंकि हम रिसेट करना चाहते हैं, तो इक्वल पे प्रेस कर दिया। उसके बाद देखिए कि रिसेट ऑल प्रेस एसी, तो प्रेस एसी दबा दिया तो रिसेट ऑल हो गया। हमको रिसेट करना पड़ा इसलिए क्योंकि पहले से कोई भी डेटा अगर इनपुट होते तो हमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती थी, इसलिए हमने क्या किया कि रिसेट कर दिया। उसके बाद हमको जो डेटा है वो इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मोड पे जाना होगा, Shift+मोड पे जाएंगे। ऐसे Shift+मोड प्रेस करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि जो दो नंबर पे है स्टैट दिख रहा है कि दो नंबर पे, तो हम दो प्रेस करेंगे। दो प्रेस करने के बाद जो वन नंबर पे है Var दिख रहा है आपको, तो वन प्रेस करना पड़ेगा। वन प्रेस करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि डाटा जो है वो इनपुट करना पड़ेगा। तो पहले क्या है 12, हमने 12 प्रेस कर दिया। उसके बाद जो इक्वल है ना वो इंटर की तरह काम करता है, इक्वल प्रेस कर दिया वो इनपुट हो गया। उसके बाद 16, 31, 37, 23, 19, 25, 32 हमने प्रेस कर लिया। तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके आपका देखिए डेटा चेक हो रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे दिख रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, देखिए आप चेक कर लिया। तो अगर आपका सही से डेटा इनपुट हो गया तो आप एसी दबा दीजिए, एसी प्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि Shift+1 को प्रेस करना पड़ेगा, Shift+1 प्रेस कर लिया। उसके बाद जो फोर नंबर पे है बाहर, फोर नंबर पे बाहर दिख रहा है Var, तो फोर नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा, हमने फोर पे प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं तो वन दबा दीजिए सिंपल से, 8, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो डेटा है वो 8 तरह का डेटा पे है, तो आपने वो देख लिया। उसके बाद कैसे देखिए 4 को इसका मीन वैल्यू, अगर मीन वैल्यू निकालना चाहते हो, इसका मीन वैल्यू क्या है ये जानना चाहते हो तो दो प्रेस करना पड़ेगा, दो प्रेस कर दिया। उसके बाद जो इक्वल है वो प्रेस कर दिया, 24.375 इसका जो मीन वैल्यू है वो 24.375 वो निकल गया। देखिए कैसे कितने आसान तरीके से वे निकल गया। उसके बाद आप अगर निकालना चाहते हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन दो तरह के होते हैं, देखिए एक है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एग्जाम में ज्यादातर हमें क्या करना पड़ता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन निकालना पड़ता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन जो 3 नंबर पे, ठीक है। और ये जो 4 है यहाँ पे इस तरह के जो सिंबल है पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविजन। और हमें एग्जाम में जितने सारे जो डेटा आएगा उसमें अगर अगर स्टैंडर्ड डिविजन निकालने को बोलेगा तो हम 3 यानी कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन वो करेंगे। तो 3 प्रेस करने के बाद इक्वल प्रेस कर देंगे तो 8.0301, तो एक ये हो गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर सनिशन एक्स यानी कि कितने जो 8 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका जो सम अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे थर्ड पे देखिए, थर्ड पे क्लिक करिए। उसके बाद जो दो नंबर पे 195 ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आप सनिशन स्क्वेयर निकालना चाहते हो तो कौन Shift+ जो आपका क्या करना पड़ेगा 1, उसके बाद थर्ड पे जाइए, 1 पे जाइए, इक्वल प्रेस करिए, तो क्या होगा 52.69। अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर आपने डेटा एंट्री कर लिया, डेटा एंट्री करने के बाद आप जानना चाहते हो कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको Shift+1 उसके बाद जो 5 नंबर पे मीन मैक्स 5 प्रेस करिए, 1 प्रेस करिए मिनिमम जानने के लिए 12 जो है मिनिमम, आप देख सकते हैं कि 12 ही होगा पे अगर आपने सही से डेटा इनपुट किया। उसके बाद आप मैक्सिमम नंबर जाना चाहते हो तो 5 उसके बाद 2 उसके बाद देखिए आप मैक्सिमम नंबर निकल गया। तो ऐसे आप कुछ सेकंड में कैलकुलेटर की मदद से आप कोई भी डेटा का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं।